శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబెలంబితాంబుజంగ తుంగమాలికాడ్డమడ్డమడ్డ. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్యతు భాగ్భవే. ఏ స్పిరిచువల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆప్కు shivago.com పే ఆథెంటిక్ ఆర్ జెన్యూన్ మిలేంగే. నమస్కార్, ఆప్ సబ్కా హమారే ఛానల్ శ్రీమద్ హోమ్ రెమెడీస్ పర్ స్వాగత్ హై, ఔర్ హమ్ ఆప్కో బతాయేంగే కి సకారాత్మక సోచ్ కి తాకత్ క్యా హై ఔర్ ఆప్ ఇసే కైసే బనాయేంగే. దేఖియే, సకారాత్మక సోచ్ ఏక్ శక్తి హై, ఏక్ శస్త్ర హై జో భగవాన్ నే హమే దియా హై, ఔర్ ఇస్కా ప్రయోగ్ కర్ హమ్ బడే సే బడే యుద్ధ మే విజయ ప్రాప్త్ కర్ సక్తే హై. జీవన్ హమే కై తరహ్ కి పరిశానీ ఆతీ హై, ఐసా కోయి నహీ హై జిస్కే జీవన్ మే కోయి కఠినాయి పరిశానీ నహీ హో. హర్ ఇన్సాన్ కే పాస్ పరిశానీ హై, లేకిన్ హర్ ఇన్సాన్ పరిశాన్ హై, రోతా హువా నహీ దిఖతా హై. పరిశానీ కే సమయ జో భీ అప్నీ సోచ్ మే కాపూ రఖతే హై వే హీ ఉస్సే లడ్కర్ ఆగే సఫల్ హో పాతే హై. మనుష్య కే మన్ మే దో తరహ్ కే విచార్ హోతే హై, సకారాత్మక ఔర్ నకారాత్మక. సకారాత్మక సోచ్ కీ తాకత్ క్యా హై? వే ఇన్సాన్ జిన్హోనే అప్నీ జిందగీ మే బడే కామ్ కియే హై, వే లోగ్ హై జో బడే కార్యో కే లియే ప్రయాస్ కర్నే సే నహీ డర్తే, జో సఫలతా పానే కే లియే అసఫలతా కా ఖతరా ఉఠానే సే నహీ డరే. అక్సర్ కై లోగో ఆప్నే కహతే సునా హోగా కి సోచ్నే విచార్నే సే కుచ్ హాసిల్ నహీ హోతా, చింతన్ కర్తే కర్తే మర్ జావ్, పర్ కరో కుచ్ నహీ, కోయి ఫాయదా హై ఇన్ సబ్ కా? మిలేగా తో వహీ జో నసీబ్ మే లిఖా హోగా, లోగ్ కహతే హై. तो जो लोग इस तरह की बात कहते हैं वे शायद विचारों और चिंतन मनन की सामर्थ्य को नज़रअंदाज करने की भूल करते हैं. यह बात ठीक है कि केवल सोचने से करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर यकीन मानिए सभी बड़े कार्यों और उच्च उद्देश्यों के पीछे बड़ी और सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग का ही जादू है. तो क्या है सीक्रेट, रहस्य क्या है इसका? हमारे विचार ही हमें अपने कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं. जब भी हमारे मन में किसी चीज़ को पाने की अभिलाषा जागती है तो सबसे पहले हमारे विचार जगत में ही उसकी हलचल होती है, वहीं पे ब्लूप्रिंट पूरा बनता है. मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी कार्य की सफलता की नींव सकारात्मक सोच के पत्थर पर ही टिकी होती है. वे लोग जिन्होंने जीवन में कोई ऊंचा उद्देश्य हासिल किया है, कोई बड़ी सफलता पाई है, वो सब उन्होंने एक बड़ी और सकारात्मक सोच के सहारे ही पाया है. शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जब तक आप कुछ भी सोचते जा रहे हैं तो कुछ बड़ा सोचिए. सच्ची इच्छा और ऊंची पॉजिटिव थिंकिंग में प्रेरणा की शक्ति भरी रहती है. जब मनुष्य एक अच्छी स्थिति पाने, अपने स्थान से आगे बढ़ने और अपने काम को ऊपर उठाने के लिए तड़प उठता है, बेचैन हो जाता है, तब उसमें एक लगन जाग उठती है. उसमें वो असीमित उत्साह पैदा हो जाता है जो सफल होने की सबसे अहम शर्तों में से एक है. तो इंपॉर्टेंट है सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार भगवान की ओर से आते हैं, जबकि नकारात्मक सोच शैतान का काम है. आप माने या ना माने, लेकिन इस दुनिया में जैसे भगवान है वैसी शैतानी ताकत भी है, नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग. मन में गलत विचार लाना, अपने ही बारे में बुरे सोच, ये शैतानी शक्ति की ही देन है. तो इसे कैसे डेवलप करोगे आप? कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं, तो इसे कैसे सोचोगे आप? मुस्कुराओ, आज मेरा दिन है, मुझे पता है मैं आज सबसे बेस्ट जगह पर हूँ, मुझे पता है मैं विजेता हूँ, मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ, अपनी डेस्टिनी मैं खुद चुन सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ और मैं पक्के से कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ. ही पॉजिटिव थिंकिंग है. 5 मूल मंत्र हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के, पॉजिटिव थिंकिंग के. विश्वास रखें, खुशी एक विकल्प है जिसे अपने लिए आप खुद चुन सकते हैं. नकारात्मक भरी जिंदगी से दूर रहें.
हर परिस्थिति में सकारात्मक बातें ढूंढे, अपने अंदर सकारात्मकता को सुदृढ़ कर ले, खुशियों को दूसरे के साथ बांटें। यही सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच के लिए कुछ पावरफुल बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सकारात्मक सोच के सहारे कितने महान व्यक्तियों ने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं और अपने साथ साथ दूसरे के जीवन को भी ऊंचा उठाया है। लेकिन छोटी सोच मनुष्य को योग्यता, प्रतिभा और अनेकों साधनों के रहते हुए महान कार्यों के लिए असफल बना देती है। तो हमेशा अच्छी बातें सोचें। हमारी सोच जैसी होगी हम वैसा व्यवहार करेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। अपने नज़रिए को बदलना है। हमारी परेशानियों से हमारी खुशी या गम नहीं जुड़ा होता है, हम किस नज़रिए से इसे देखते हैं ये उससे तय होता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में होंगे लेकिन फिर भी सदा मुस्कुराते रहेंगे। शिकायत मत करो, लिमिट योर कंप्लेंट्स, जो आपके कंप्लेंट्स हैं उसको लिमिट करो। किसी भी बात के लिए शिकायत मत करो, चिड़चिड़ाओ नहीं। बेकार परिस्थिति में भगवान या किसी इंसान या अपनी किस्मत को मत कोसो, बल्कि उस परिस्थिति का दूसरा पहलू देखो। परेशानी पर फोकस मत करो कि परेशानी क्या है। जब हम अपनी परेशानियों को फोकस करते हैं तो हम उसे मौका देते हैं कि वो हमारी लाइफ में हक जमा ले। परेशानी की तरफ ध्यान ही मत दो, अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने की कोशिश करो। परेशानी पर ध्यान लगाने से, परेशानी होने से आप 1% भी अपनी परिस्थिति को नहीं बदल पाएंगे। आप लिस्ट बना लो, आप अपनी लिस्ट बनाए, उसमें वो सब बातें लिखें जिससे आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है। जैसे ही आपके मन में उथल पुथल हो, नेगेटिव बातें आएँ, आप उस लिस्ट में से एक बात चुनकर उसे कीजिए, देखिए किस तरह से चीज़ें बदलती जाएगी। थिंक बिग बट डू बिग एज वेल। बड़ा सोचिए मगर उससे भी ज़्यादा बड़ा कीजिए। ऐसे न जाने कितने व्यवसायी, नौकरी पेशा, मजदूर आदि काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने काम, अपने पद या अपनी स्थिति में ज़रा भी उन्नति नहीं की। वे आज भी उसी स्थान, उसी दशा में पड़े हुए जहाँ 15 से 20 साल पहले थे, जबकि कई लोग न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो यू शुड रियलाइज योर पोटेंशियल। आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। आप पढ़िए ना, लोगों की किताबें पढ़िए। एनजीओ के संस्थापक, प्रधान एनजीओ के संस्थापक दीपक जोशी की आप किताबें पढ़िए, देखिए क्या मिलता है आपको। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी की सकारात्मक सोच के बारे में आप पढ़िए, फायदा होगा। विलियम हेजलेट कहते हैं कि सकारात्मक बड़ी सोच ही क्रियान्वित किए जाने पर बड़े कार्य बन जाते हैं। तो उनकी फिलॉसफी को आप पढ़िए। मोटिवेट करें, किसी इंसान की मदद करने से भी हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। हमेशा हंसते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, ध्यान करें, अच्छे गाने सुनो, किताब पढ़ो। सकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, यही तरीके हैं। मन का मैल ईश्वर से नहीं छिपता, अतः व्यर्थ धार्मिक कर्मकांड ना करें। अपने से छोटे दर्जे के व्यक्ति से किया जाने वाला व्यवहार ही आपके जीवन का सच है। विवादित मुद्दों पर आमने सामने बात करने से कतराने वाले के मन में चोर है। जीने योग्य स्थान वही है जहां आपका मन शांत रहता है। मन की उज्ज्वलता तन की उज्ज्वलता से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जो सच्चे प्रेमी हैं वो झुकने से नहीं डरते, उन्हें झुकाने का डर सताता है। गलती करके उसे स्वीकारना ही सच्ची इबादत है, पर इसे रोज की आदत बना लेना मूर्खता है, और माफ कर देना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। प्यार के दिखावे को एक छोटा बच्चा भी भांप लेता है। असंतोषी स्वर्ग में भी सुख नहीं पा सकते। जो अपने गुणों का बखान खुद ही करता है वही सबसे बड़ा अवगुणी है, और जो गलती स्वीकार नहीं करते उनसे सुधरने की उम्मीद ही व्यर्थ है। तो व्हाट टू थिंक बिग, क्या बड़ा सोचें, एक जटिल प्रश्न है। इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं है, इसलिए हम सबकी रुचियां अलग अलग है और आकांक्षाएं भी।
कोई उन्नति के लिए सांसारिक क्षेत्र चुनता है तो कोई आध्यात्मिक क्षेत्र चुनता है। तो आपकी बड़ी सोच का लक्ष्य ऊंचा पद, शानदार नौकरी या ज़्यादा पैसा भी हो सकता है, और आपका लक्ष्य ये भी हो सकता है कि आप दूसरों को उनके सपने पूरा करने में मदद करें। तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को हम खुद की उन्नति तक भी सीमित रख सकते हैं या फिर समाज को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये पूर्णतः आप पे डिपेंड होता है। तो इन सब बातों को सोचना ज़रूरी है, अपनी सोच बदलिए और फिर आपकी दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।